थाना पनकी क्षेत्र में रहने वाले सुमित निगम ने अपने ही साथी की प्रॉपर्टी के लिए किया कत्ल। कानपुर नगर के पनकी थाना क्षेत्र के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने कानपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान, इसमें एक मामला पनकी थाना क्षेत्र का है जिसमें अपने ही साथी को प्रॉपर्टी के लिए किया कत्ल। पुलिस अधीक्षक नगर पश्चिम संजीव सुमन ने व कल्याणपुर क्षेत्राधिकारी पनकी थाना शेष नारायण पांडे भानु प्रताप व सत्येंद्र कुमार के साथ मिलकर 29/11/2018 को हुए मर्डर का खुलासा किया, जिसमें कि चंद्रमा प्रसाद वर्मा की हत्या सुमित निगम पुत्र मुनीर निगम ने की थी। चंद्रमा प्रसाद का मकान नंबर 1015B ब्लॉक पनकी थाना मुनीर निगम निवासी 416B ब्लॉक पनकी कानपुर नगर का रहने वाला था। इसकी उम्र 22 वर्ष। मुनीर निगम ने प्रॉपर्टी के लिए अपने ही साथी की हत्या की। बरामद हुआ कत्ल का चाकू असला आलाहा की बरामदगी की गई। अभियुक्तों को रिमांड के लिए माननीय न्यायालय भेजा गया। चंद्रमा प्रसाद वर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या हुई थी पनकी क्षेत्र में, ये लगभग आज से 2 महीने पहले की घटना है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से गले काट के हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है पनकी पुलिस ने। उनमें से एक अभियुक्त का नाम सुमित है, सुमित निगम, ये नामजद अभियुक्त था। और जो दूसरा व्यक्ति है ये इसी सुमित का बड़े भाई का साला है आयुष। ये दोनों लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ, इन्होंने अपना पूरा विवरण दिया, इन्होंने घटना कैसे की है। इस पूरी घटना, इस हत्या कारण पैसे का लेन देन था। उनका कहना था कि इस व्यक्ति के पास इनके कुछ पैसे बकाया थे और पत्नी के जेवर भी उन्होंने दे रखे थे, क्योंकि इनका आपस में मित्रता ऐसी थी, रोज़ आना जाना था, तो इन्होंने अपने कुछ पैसे और जेवरात उस व्यक्ति को दे रखे थे। इस व्यक्ति सुमित को उनकी वाइफ ने कहा कि दिल्ली चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, दिल्ली जाना है। तो जब दिल्ली जाने की बात हुई तो सुमित ने अपने पैसे और जेवर वापस मांगे इस व्यक्ति से। इस बात पे इनको लेकर के कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी में उसने गाली गलौज किया। गाली गलौज के बाद जैसा अभियुक्त का कहना है कि कुछ उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया इसकी पत्नी के लिए, और इसी बीच उसका साला भी आ गया और उसी घर में नीचे एक चाकू रखी हुई थी। ये चाकू वो नीचे से लेकर के आ गया जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए गया था, जब साला आया था तब। उसके बाद फिर जब ये बात आगे बढ़ी और गाली गलौज हुआ, फिर हाथापाई पे नौबत आ गई, तो इसका कहना है सुमित ने हथियार से, तेज हथियार से, जिसमें उसका सहयोग किया उसके मित्र ने, उसके साले ने, बड़े भाई के साले ने आयुष ने, और इन दोनों ने मिलकर के उसके गला ले करके हत्या कर दी। इसके बाद ये लोग दिल्ली भाग गए। दिल्ली के बाद ये लोग चेन्नई गए, चेन्नई से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से नेपाल, नेपाल से लखनऊ, लखनऊ से यहाँ। इस पूरे दौरान पुलिस इनके पीछे पड़ी रही है, उस कारण ये दबिश के कारण ये भागते रहे यहाँ से वहाँ, लेकिन अंततः हम लोग उनको गिरफ्तार करने में सफल रहे और इस घटना का सफल अनावरण हुआ। इन अभियुक्तों के पास से क्या क्या बरामद हुआ है? अभियुक्तों के पास से इनका कहना है कि चाकू, इन्होंने अभी चाकू लोग बरामद नहीं कर पाए हैं, हम लोग उसके लिए तस्दीक कर रहे हैं चाकू एग्जैक्टली कहाँ उसने देखा है या कहाँ रखा है। और उसके पास से उसके पहने हुए कपड़े जो उस वक्त थे उसमें खून के छींटे भी लगे हैं, उसने ये कहा था, तो उसका हम लोग अभी टेस्ट करवाएंगे, फॉरेंसिक टेस्ट, उसको हमने अपने कब्जे में ले लिया। जो अभियुक्त पकड़े गए इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है कुछ? नहीं, ये किसी का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। ये लेबर का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता था ये लड़का। कैमरामैन रोहित प्रजापति के साथ संवाददाता शिवा सैनी की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़ पनकी।